उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर अब पेंच फंस गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने का आदेश दे दिया है। लेकिन क्या वजह है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है? आखिर क्यों बीजेपी की परेशानी बढ़ चुकी है? निकाय चुनाव तो सिर पर है और हाई कोर्ट से बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने का आदेश मिलने के बाद अब बीजेपी अपना वोट बैंक कैसे बचा पाएगी? दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के तहत आरक्षण तय करने में समय लगेगा, इसलिए सरकार तत्काल बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दे। हालांकि योगी सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के मूड में अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जा सकते, तब क्या होगा ऐसे में? इसके चलते उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के संबंध में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन भी किया गया है। यूपी सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर जज राम अवतार सिंह करेंगे। इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तीखा प्रहार करते हुए दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण मिलना और सपा का सफाया होना तय है। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने राज्य के पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश, तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया गया, ओबीसी मंत्रियों के मुख पर ताले, केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी, ये उनका ट्वीट है। इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि सपा और सैफई परिवार को पिछड़े वर्ग का एक उप मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव सहित सैफई परिवार और उनकी पार्टी के नेता मेरे प्रति कितने अपमानजनक और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये सर्वविदित है। इसी ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण मिलना और सपा का सफाया होना तय है। तो कुछ इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन आरक्षण पर आए फैसले के चलते बीजेपी के कई सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है और समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी की नजर भी आरक्षण के मुद्दे पर आ चुकी है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है, तो वहीं सपा और बसपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आरक्षण एक राजनीति की सबसे नाजुक कड़ी होती है, जिसके सहारे राजनीतिक पार्टियां दाव खेलती हैं और इसके सहारे वोट भी मिलते हैं। अब इसी नाजुक विषय पर बीजेपी ने एक ऐसी भूल कर दी कि इसी मसले पर उसे बहुत डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। इसका असर निकाय चुनाव पर भी पड़ सकता है, लेकिन चूक हुई कैसे ये समझते हैं। ये पूरा विवाद 5 दिसंबर को शुरू हुआ था, जब यूपी में निकाय चुनावों की यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उस समय यूपी सरकार ने तब 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए रखा था, लेकिन सरकार के उस नोटिफिकेशन के तुरंत बाद ही हाईकोर्ट में कई जनहित याचिका ये अपील की गई कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तय ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को अपनाए बगैर ही नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तब हाई कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देने के लिए 22 मार्च 1993 को आयोग बनाया गया था, उसी आधार पर 2017 में भी निकाय चुनाव कराए गए थे। लेकिन अदालत ने यूपी सरकार की दलील को खारिज कर दिया और 87 पेज के अपने फैसले में 5 दिसंबर के आरक्षण वाले नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। अदालत का कहना था कि सरकार आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट करते हुए ओबीसी को आरक्षण दे। अब ट्रिपल टेस्ट यानी निकाय चुनाव में आरक्षण से पहले एक आयोग बनाइए। आयोग पहले निकायों में पिछड़ों का आंकलन करेगा, दूसरे चरण में स्थानीय निकाय की तरफ से ओबीसी की संख्या का परीक्षण होगा, तीसरे चरण में शासन के स्तर पर सत्यापन के बाद ओबीसी आरक्षण तय होगा। आपको बता दें कि एमपी, महाराष्ट्र,
बिहार झारखंड ने भी सुप्रीम कोर्ट के तय नियम को छोड़ा तो निकाय चुनाव में हाई कोर्ट से झटका लगा था। फिर भी यूपी सरकार की तरफ से क्यों बिना आयोग बनाए ही ओबीसी आरक्षण तय कर दिया गया, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। हालांकि अब आदेश के मुताबिक आयोग का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि निकाय चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। बीजेपी की पिछले 8 सालों से यूपी में ओबीसी वोट बैंक का 2/3 हिस्सा उस पर पकड़ है और हिंदुत्व और ओबीसी दोनों का वोट सीधे तौर पर बीजेपी हासिल करती आई है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बीजेपी को पहले सवर्ण और शहरी वोट ज्यादा मत देते रहे हैं, ओबीसी वोट पर पहले क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व रहा। वजह यह है कि अलग अलग राज्यों में पिछड़े वर्ग की अलग अलग जातियों से ही कई क्षेत्रीय पार्टियां बनी और नेता तैयार हुए। 2014 के बाद से वोट के इस गणित में बदलाव हुआ। चुनाव यूपी का हो या केंद्र का, पिछड़ा वोट बहुतायत में बीजेपी के पास एक मुश्त आने लगा। लेकिन अब इस मुद्दे पर अब अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही बीजेपी की ओबीसी और आरक्षण विरोधी मानसिकता के सामने आने का आरोप लगा रहे हैं और ये दिखाने लगे हैं कि बीजेपी आरक्षण की विरोधी है। हमेशा बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रखती आई है, लेकिन इस बार के सहयोग ने विपक्ष को बैठे बिठाए आरोप मढ़ने का और आरक्षण के मुद्दे पर नंबर बनाने का मौका दे दिया है। अब इसे संयोग माना जाए या फिर चूक, लेकिन अब मौजूदा सरकार को हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोग का गठन करना पड़ा। अब देखते हैं कि आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी का नंबर कम हुआ है या फिर वैसे ही बरकरार रहेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।